हे नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बॉलीवुड टॉक और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तारक मेहता शो मेकर्स के लिए आए हुए सबसे बड़े चैलेंज के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि दया के कैरेक्टर के लिए तारक मेहता शो में जो है बहुत ही ज़्यादा मतलब हलचले चल रही हैं। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कभी कोई न्यूज़ आ रही है, कभी कोई न्यूज़ आ रही है। तो इसी सिलसिले में रिसेंटली तारक मेहता शो के प्रोड्यूसर आसित कुमार मोदी ने एक इंटरव्यू में सारी बात क्लियर किया। तो जब उनसे दया की वापसी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बोला कि जो दया है वो बेसिकली शो की हीरोइन है, मेन हीरोइन है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। तो दया को वापस लाना शो में ये अभी के लिए उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज बना हुआ है, क्योंकि वो नई दया को वापस लाने के काम में ही जुटे हुए हैं, उसी पर जो है विचार चल रहे हैं। उनका यही कहना है कि अगर दिशा वकानी ही वापस आ जाती हैं शो में तो सबसे बेस्ट है ये चीज़, लेकिन अगर वो वापस नहीं आती तो शो तो किसी के लिए रुकने नहीं वाला। तो अगर वो नहीं आती तब भी हम किसी ना किसी नई एक्ट्रेस की तलाश भी कर रहे हैं, तो नई एक्ट्रेस की तलाश भी जारी है जो कि दया के रोल को अच्छे से कर सके, तो उस पर वो सारी बातें चल रही है। तो फिलहाल के लिए उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि दया की वापसी करवाना, और अगर दिशा वकानी नहीं आती तो भी शो तो चलता ही रहेगा और नई दया आ जाएगी तारक मेहता शो में। और हाँ दोस्तों, उन्होंने ये बात भी कही कि अभी वो नाम के बारे में भी सोच रहे हैं कि कौन सी एक्ट्रेस को दया के रोल में लिया जा सकता है, जिसके लिए उनकी ऑनलाइन टीम चेक करती रहती है कि एक्चुअली में जो आप लोग हो यानी कि ऑडियंस है वो क्या चाहती है कि दया का रोल कौन कर सकता है दिशा वकानी के अलावा। तो वो उन नामों पर विचार कर रहे हैं, यानी कि ऑडियंस कमेंट्स कर रही है या सोशल मीडिया पर मेंशन कर रही है कि ये वाली एक्ट्रेस दया का रोल प्ले कर सकती है, तो वो इस बात पर पूरी नजर बनाए हुए हैं कि एक्चुअली में ऑडियंस का क्या मानना है कि कौन सी एक्ट्रेस दया का रोल कर सकती है, या फिर वो दिशा वकानी को ही वापस लाना चाहते हैं। खैर, दिशा वकानी वापस आती है या नहीं ये तो उनकी मर्जी है, और अभी तक तो काफी चांसेस भी कम है। तो गाइस, यही है सबसे बड़ा चैलेंज तारक मेहता शो मेकर्स के लिए, और ऑडियंस भी इसी बात का इंतजार कर रही है कि दया भाभी फिर से हमें तारक मेहता शो में कब देखने को मिलेंगी। और गाइस, जो दया की एंट्री दिखाई जाएगी वो भी काफी ग्रैंड होने वाली है, जिसके लिए तारक मेहता शो मेकर्स वेट कर रहे हैं कि कब ये वर्ल्ड कप सीजन और आईपीएल और इलेक्शन सीजन खत्म होएगा, तो उसके बाद वो दया के कैरेक्टर को वापस शो में लाएंगे। तो गाइस, आप क्या सोचते हो इस बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और दिशा वकानी के अलावा कौन सी एक्ट्रेस दया के रोल में सबसे बेस्ट रह सकती है आपके अनुसार, नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताना। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। इसी तरह की अपडेट्स के लिए अभी तक भी आपने बॉलीवुड टॉक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नीचे ही लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसके साथ बेल आइकन दोनों को जरूर प्रेस कर दे ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस ना कर पाए। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।